चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच स्टेप जिसकी साथ आप किसी भी बिजनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं एक ब्रांड के अंदर। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए आपके पास में होनी चाहिए मार्केटिंग स्किल्स। अगर आप भी मार्केटिंग स्किल सीखना चाहते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आए, क्योंकि यहां पर इस तरह से रिलेटेड आपको बहुत सारी फ्री एजुकेशन मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको ऐसे पांच स्टेप बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप किसी भी बिजनेस को एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बिजनेस चाहे कोई भी हो, उसमें यहां पर सबसे पहले ब्रांड क्रिएट करने के लिए आपको उस बिजनेस से रिलेटेड मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी कि पहला स्टेप आपका होना चाहिए फाइंड आउट द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। दूसरा, रिसर्च करें कि हाउ यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो प्रॉब्लम है उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा, यहां पे जो भी आप सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। और चौथा यहां पे आता है कि जो भी आपका सॉल्यूशन आप लेकर आए हैं, जो भी आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, अब उसके जो टारगेट ऑडियंस कौन है, ताकि आप राइट टारगेट ऑडियंस को रीच कर सकें। एंड चौथा, पांचवा यहां पर आता है, एक किसी भी बिजनेस के लिए सक्सेस होने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो आता है एक स्ट्रांग सपोर्ट स्ट्रक्चर और साथ ही साथ एक स्ट्रांग फीडबैक सिस्टम। ये पांच ऐसे स्टेप्स हैं जिसके ऊपर अगर आप किसी भी बिजनेस को लेके काम करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनने से नहीं रोक पाएंगे। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, दी रामेश्वरम कैफे बैंगलोर, जहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया, मार्केट के गैप को आइडेंटिफाई किया गया और वहां पर जो है एक साउथ इंडिया के अंदर ही एक साउथ इंडियन डिश को लेकर एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे के साथ में उसको एक ब्रांड बना दिया, जहां पर डेली का ऑलमोस्ट 7000 टू 7500 लोग डेली उनके कैफेज के अंदर जो है खाना खाते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें तो ये है आपका जो कि आने वाली वीडियो है, वो है समोसा सिंह। जी हां, आपको नाम सुन के ऐसी आ रही होगी, ये भी ब्रांड एग्जिस्ट करता है और यहां पर भी एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाली है समोसा सिंह के ऊपर में, कि किस तरीके से मार्केट के अंदर एक गैप को आइडेंटिफाई किया गया, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया और उस पर कैसे रिसर्च करी गई, कितना टाइम स्पेंड किया गया एंड नाउ आज की डेट में वो ब्रांड बन चुका है। आप बोलोगे सर हमने नहीं सुना, तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में डेफिनेटली हमारे चैनल पे कंप्लीट वीडियो सुनोगे और कैसे ये इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। और यहां पर इन सभी बिजनेस के लिए ऐसे कई सारे और बिजनेस हैं जिनके केस स्टडी हमारे चैनल पे आती रहेगी और इन सभी के पीछे ये पांच जो स्टेप्स मैंने आपको बताए ये फॉलो किए गए तभी ये एक छोटे से बिजनेस से एक बहुत बड़े ब्रांड तक पहुंच पाए। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।